हाय गाइस, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने बच्चों के कौन कौन से ऐसे डिलेज हैं जिन पे काम कर सकते हैं और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम डाला है ऑटिज्म चेकलिस्ट। अगर आप चाहें और ध्यान से इस चेकलिस्ट को फॉलो करें और स्ट्रिक्टली इस चेकलिस्ट को फॉलो करें तो आपको इस चेकलिस्ट के एंड तक ये समझ आ जाएगा कि आपके बच्चे के मेजर इश्यूज कौन से हैं जिसमें आपको वर्क करना है। तो अब मैं ये चेकलिस्ट जो है मैंने डाउनलोड करी थी और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी पॉइंट मिस करूं। ऑल दो स्क्रीनशॉट्स मैंने साथ साथ लगाए हैं बट मैं फिर भी एक बार अपने लैपटॉप पे ये ओपन करके बैठी हूँ और रेफरेंस लेती जाऊंगी। जो जो मैं बोलती जाऊंगी मैं वो आपको समझाती जाऊंगी। चेकलिस्ट एक्चुअली चार हिस्सों में डिवाइडेड होती है। तो ये मैंने चेकलिस्ट ऑनलाइन डाउनलोड करी थी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो ये चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। आपको बोला जाता है इसमें अपने बच्चे को मार्किंग दीजिए। अगर अभी तक आप किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास नहीं गए हैं या ये ऐसी कोई चेकलिस्ट आपने अभी तक फिल नहीं करी है तो ये सबसे आसान तरीका होगा कि जो स्क्रीनशॉट्स मैं लगा रही हूँ आप वो स्क्रीनशॉट्स रेफर करते चलिए एंड अपने बेबी के अकॉर्डिंग उसमें मार्किंग देते चलिए। हमें कोई ग्रैंड टोटल नहीं लेना, हमें अपने बेबी को मार्क्स नहीं देने हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी भी तरह से लैग बिहाइंड कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में तो इस चेकलिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस हो जाएंगे और आपको एग्जैक्ट इश्यूज समझ आ जाएंगे और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमें जो बेसिक इश्यूज़ हैं पहले उन्हें रिजॉल्व करना है अपने बच्चे का, उसके बाद हमें बाकी चीज़ों पर काम करना है। क्योंकि हम हमेशा बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं एंड हम हमेशा टिपिकल चीज़ उठाते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेरेंट्स को लगता है सबसे पहला काम हम करें कि हम अपने बच्चे को बोलना सिखा दें, लेकिन एक्चुअली सबसे पहला काम होता है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पर काम करना, बच्चे के और इशूज़ पर काम करना, उसका रेपिटेटिव बिहेवियर कम करना, उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज ठीक करना, बच्चे को पेंसिल होल्डिंग और बाकी सारी चीज़ें सिखाना। बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगी, किसी का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आई एम सॉरी अबाउट इट। लेकिन मैं अपना लैपटॉप ओपन करके बैठी हूँ और मैं आपको चेकलिस्ट के चार पोर्शंस बता देती हूँ कि ये चेकलिस्ट कैसे डिवाइडेड होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है हेल्थ एंड फिजिकल बिहेवियर, कि अगर आपके बच्चे की बॉडी मूवमेंट में या बॉडी लैंग्वेज में कोई भी इश्यूज हैं तो इस चेकलिस्ट में हर वो ऐसा सवाल है या हर वो ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपसे पूछी जा रही है आपके बच्चे के बारे में एंड आप उसमें एक रेटिंग देकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका बच्चा उस चीज़ में बिल्कुल ज़ीरो है या उस चीज़ में बिल्कुल अच्छा है या मॉडरेट रेंज में है। दैट मीन्स हो सकता है वो कभी 10 में से 2 बार या 3 बार ऐसी चीज़ें कर देता हो एंड कई बार ना करता हो। तो आपको एक फेयर अंदाज़ा मिल जाएगा, एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली कहाँ पर इश्यूज़ हैं और मुझे किन किन इश्यूज़ पर काम करना है। तो ये चेकलिस्ट आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने में बहुत बहुत हेल्प करती है, इसीलिए इस वीडियो का नाम है ऑटिज्म चेकलिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करें हेल्थ एंड बिहेवियर के बारे में, फिजिकल बिहेवियर के बारे में। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला है द चाइल्ड डज बेड वेटिंग, क्या बच्चा बिस्तर गीला करता है। अगर हाँ तो आपको जो रेटिंग देनी है नॉट ट्रू के लिए, नॉट ट्रू का मतलब है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं करता, तो आपको रेटिंग देनी है जीरो। एंड रेयरली ट्रू दैट मीन्स 10 दिनों में या हफ्ते में 2 इंस्टेंस हो जाते हैं तो रेयरली ट्रू हो गया, यानी एक बार ऐसा हो जाता है तो आप 1 मार्क करेंगे। समवॉट ट्रू मतलब हाँ होता रहता है, हफ्ते में 3-4 एपिसोड ऐसे हो जाते हैं तो आप समवॉट ट्रू के लिए 2 की रेटिंग है तो आप 2 देंगे। उसी तरह से ऑफन ट्रू के लिए है 3, यानी कि ऑलमोस्ट हर दिन ऐसा इंसिडेंट होता है, कभी हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा जाता है जिस दिन बेड वेटिंग नहीं होती है। हाँ लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेल्थ एंड फिजिकल बिहेवियर में एक्चुअली इस चेकलिस्ट में क्वेश्चंस क्या हैं। तो उसमें क्वेश्चंस ये हैं कि उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आपके बच्चे का फिजिकल बॉडी बिहेवियर अपने साथ एंड दूसरों के साथ कैसा है। क्या आपका बच्चा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, क्या आपका बच्चा बहुत रिजिड रूटीन फॉलो करता है, क्या आपका बच्चा बेड वेटिंग करता है, क्या आपका बच्चा सुसु डाइपर में करता है एंड 40B डाइपर में करता है, और बाकी क्या आपका बच्चा दूसरों को इंजर करता है या सेल्फ इंजरी करता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो हेल्थ एंड फिजिकल बिहेवियर अगर ये पार्ट आप कवर करते हैं तो आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगी कि एक्चुअली मेरा बच्चा किस किस चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है स्केल पे आ रहा है या बहुत पैरामीटर हिट कर रहा है उस चीज़ का। तो आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि मुझे इन चीज़ों पे सबसे पहले काम करना है उसके हेल्थ एंड फिजिकल बिहेवियर को लेकर, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पे काम करेंगे तो उसकी पर्सनालिटी पे निखार लाने में हेल्प करेगा।
हम क्योंकि बेसिक चीज़ों पे काम नहीं करते हैं, हमारा फोकस होता है बाकी सब टिपिकल चीज़ों पे काम करना, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये चेकलिस्ट डिज़ाइंड उसी तरीके से है कि सबसे पहले आपको कोर पता चले कि कहाँ से शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता स्टार्ट कैसे करना है, तो ये चेकलिस्ट आपको एक डायरेक्शन देगी। विराज के साथ जब स्टार्ट करना था तो ये मेरी सबसे पहली अप्रोच थी कि मैं चेकलिस्ट में देखूं कि एक्चुअली विराज किन किन चीज़ों में पीछे है, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों पे काम करूं बट मैं बेसिक्स पे काम नहीं करूंगी तो हो सकता है कि अगर मैंने सीढ़ी का पहला ही स्टेप नहीं लिया और मैं सीधा अपनी डायरेक्शन अपनी डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश कर रही हूं तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा और पहला स्टेप बेसिक्स से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले स्टेप्स के लिए आपको ये चेकलिस्ट फॉलो करके बहुत हेल्प मिलेगी कि एक्चुअली हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। तो हेल्थ फिजिकल बिहेवियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है सेंसरी एंड कॉग्निटिव अवेयरनेस। सेंसरी और कॉग्निटिव अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपका बच्चा सेंसेस से कितना वाकिफ है, यानी आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी उसकी सेंसेस प्रोसेस करती हैं, नॉइज साउंड लाइट या फिर अगर मैं बात करूँ टेस्ट के बारे में, तो कितना सेंसरी नीड्स है बच्चे के अंदर, कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी ज़्यादा है। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब होता है हम एनवायरनमेंट से क्या चीज़ें लर्न करते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी जो है हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती है, और हमें अपने बच्चों को इस हिसाब से रेडी करना है कि वो एनवायरनमेंट से खुद ब खुद चीज़ें सीखें। अगर लाइफ लॉन्ग आप ही चीज़ें सिखाते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप उसे बिल्कुल रोबोटिक चीज़ें सिखाना शुरू कर देंगे। आप उसे सिर्फ ये सिखाएंगे कि ब्लू बॉल ग्रीन बॉल रेड कलर वाइट कलर, आप कलर्स आप अकेडमिक्स में फॉल आउट करना स्टार्ट कर देंगे एंड आप उसको रोबोटिक चीज़ें सिखानी शुरू कर देंगे। लेकिन एक टिपिकल बच्चा या एक ए टिपिकल बच्चा, हमें दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना होता है। हम बच्चों को किसी भी बच्चे को हमें उसी हिसाब से रेडी करना होता है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखे, क्योंकि अगर हम उसे उस तरह से रेडी नहीं कर रहे हैं तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे आउटग्रो कर लेते हैं चीज़ों को। दैट मीन्स अगर मैं रोज़ विराज को एक ही एक्टिविटी करवाती हूँ तो उसे बहुत बुरा लगता है और उससे नहीं होती वो चीज़, उसे वो बहुत प्रेशर फील होता है कि हर रोज़ हम एक ही चीज़ क्यों कर रहे हैं। और मुझे याद है हम जब स्पीच थेरेपी पर जाते थे विराज को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हर सेशन में हम सिर्फ एक ही चीज़ रिपीट करते थे। स्पीच थेरेपिस्ट जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले इस चीज़ पर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो तब हम नेक्स्ट चीज़ पर जाएंगे। लेकिन बच्चा बहुत अनॉय होता है कि हर रोज़ हम आते हैं यहाँ बैठते हैं एंड हर रोज़ मुझसे पूछा जाता है डोंकी क्या बोलता है डॉग क्या बोलता है, एंड दैट्स वेरी रोबोटिक। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि रोबोट को बिठा रखा और हम उसके अंदर एक प्रोग्राम एक मेमोरी फीड कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे भी बहुत बुरी लगती थी बट मुझे समझ नहीं आता था कि उस समय क्या वर्क अराउंड है। स्पीच थेरेपी कोई बोलता था तो चलो स्पीच थेरेपी पे चलते हैं, ओटी कोई बोलता था चलो ओटी के लिए पता करते हैं। बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे करनी है और मुझे विराज को रोबोटिक नहीं बनाना है, मुझे उसे बनाना है कि वो इन्वायरमेंट से सीखे। यानी अगर उसने सड़क पे डॉग देखा है तो वो बोले कि डॉग, और फिर मैं जब उससे पूछूं कि डॉग कैसे करता है विराज, तो आगे से विराज आवाज़ निकाल कर दिखाए कि डॉग ऐसे करता है। तो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से देख कर सीखना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेबल डेस्क और ये वाली जो अपॉर्चुनिटी होती हैं बच्चे को ये कम दीजिए एंड एनवायरनमेंट वाली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दीजिए। लाइव चीज़ें दिखाइए, लाइव चीज़ें देख के बच्चे बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं। सो बैक ऑन पॉइंट, तो यही है मतलब सेंसरी और कॉग्निटिव अवेयरनेस का यही पूरा जिस्ट है कि कितना बच्चा एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर पाता है, कितना सेंसरी कितना प्रोसेस कर पाता है एंड कॉग्निटिव एबिलिटी में कैसे अप्लाई करता है, यानी उसका ब्रेन कॉग्निशन कैसा है, कैसा कॉग्निटिव एबिलिटी है उसका। क्या आपका बच्चा एनवायरनमेंट से अवेयर है, आसपास क्या हो रहा है, जैसे कि अगर बेल बजी है तो क्या आपका बच्चा डोर तक गया, कोई और आया है घर में तो क्या आपके बच्चे ने नोटिस किया कि कोई आया है घर में, आपके बच्चे ने उनको देखा उनके पास गए, या अगर पास नहीं गए तो एटलीस्ट उन्होंने नोटिस किया है आपके बच्चे ने कि कुछ चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में। तो एक ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गई, आपसे ये पूछा जाता है इस चेकलिस्ट में कि बच्चे की जॉइंट अटेंशन कैसी है। अगर जॉइंट अटेंशन का मतलब है अगर मैं विराज को बोलती हूँ विराज वो देखो वो क्या है, तो अगर मैं उस डायरेक्शन में देख रही हूँ मैं उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हूँ तो क्या विराज भी उसी जगह देखता है या नहीं देखता। तो इस चेकलिस्ट में ऑलमोस्ट इसी तरीके की चीज़ें हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको ये पता लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें कॉग्निटिव एबिलिटी का काम करती हैं या ये चीज़ों में सेंसरी अवेयरनेस का काम होता है, तो मुझे इन पे काम करना है सबसे पहले। क्योंकि सच में
बेसिक पहले आता है। अगर आप बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चे को एक स्टेप अहेड नहीं लेके जा पाएंगे। तो टिपिकल चीज़ों पे काम करने से पहले बेसिक्स पे काम करिए। मेरा अभी एक मैंने वीडियो डाला था हाइपर एक्टिविटी को लेकर, तो लोग बहुत परेशान होते हैं, बच्चा बैठता ही नहीं तो सीखेगा कहाँ से। आप सिखाएंगे बाद में, आप बेसिक पे काम करिए, पहले हाइपर एक्टिविटी कम करने पे काम करिए फिर सिखाइए। जैसे कि लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में पहले आप काम करिए कि बच्चा आपको सुने, आपकी बात को प्रोसेस करना सीखे, उसके बाद आप उस पर आइए कि मेरा बच्चा मुझसे बोले या मुझसे चीज़ें मांगे। तो बेसिक, प्लीज़ पहले बेसिक पे काम करिए, क्योंकि आप खुद भी ओवरबर्डन हो जाएंगे, आप अपने बच्चे को भी ओवरबर्डन कर देंगे अगर आप पहले ही अपने सबसे बड़े वाले स्टेप को उठा लेंगे और उससे पहले के सारे स्टेप्स छोड़ देंगे। तो इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि ट्रांजिशन का फेज़ रखिए, शुरुआत करिए धीरे धीरे चीज़ों से, ट्रांजिशन करिए बच्चे को, एकदम से मत सोचिए कि 2 या 3 दिन में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। नहीं, स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत पेशेंस चाहिए, और स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट में रहना ज़रूरी है, बच्चे पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा बच्चा कर सकता है। अगर होपलेस समझ लेंगे तो आप खुद भी होपलेस हो जाएंगे, बच्चे को भी होपलेस समझ लेंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। और बच्चे के साथ काम करने के लिए ना बच्चे का नज़रिया जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक बार एनालाइज करिए अपने बच्चे को, आपको उसका नज़रिया समझ आ जाएगा, और आपने जहाँ उसका नज़रिया पकड़ा ना वहीं आपका बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मुझे इसके नज़रिए से काम कैसे करना है। तो वही सब चीज़ें हैं, सब बेसिक है। थर्ड पार्ट जो है इस चेकलिस्ट का, है वो है सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी का मतलब है बच्चे का आई कॉन्टैक्ट कैसा है, बच्चा फ्रेंड्स के साथ एंगेज होना चाहता है या नहीं, बच्चे के फ्रेंड्स हैं या नहीं है, क्या बच्चा आपको हग करना पसंद करता है या फिर हग करते समय उसे बहुत बुरा लगता है, उसे फिजिकल टच पसंद नहीं आता तो इसलिए वो बात नहीं करना चाहता या पास में नहीं आना चाहता। तो सोशियबिलिटी यानी कि सोशल कनेक्ट कैसा है, सोशल स्माइल कैसी है, कोई आया उन्होंने स्माइल करी तो क्या आपका बच्चा स्माइल बैक करता है आपकी तरफ, तो ये सब चीज़ें सोशियबिलिटी में आएंगी। चेकलिस्ट में सारे पॉइंट्स बहुत क्लियरली मेंशन है, आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ये चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है या ये चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तो हम बच्चे का सोशल कनेक्ट अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस चेकलिस्ट में अपने बच्चे को मार्क्स दे रहे होंगे, जब आप अपने बच्चे को रेट कर रहे होंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि मेरा बच्चा किन चीज़ों में अच्छा है और किन चीज़ों में वो पीछे है। तो जिन चीज़ों में अच्छा है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ा दीजिए उन चीज़ों की, ताकि वो और अच्छा हो जाए, एंड जिन चीज़ों में वो कम अच्छा है या बिल्कुल अच्छा नहीं है उन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी पे काम करना स्टार्ट करिए। तो जो चीज़ें अच्छी हैं उसमें आपको छोड़ना नहीं है कि ये तो उसे ऑलरेडी आता है तो हम नहीं करेंगे, नहीं, जो उसे आता है उसका तो एडवांटेज उठाइए और उस चीज़ को बढ़ा दीजिए, हो सकता है वो करते करते वो और चीज़ें लर्न करनी स्टार्ट कर दे। उन्हीं चीज़ों में नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करिए जो चीज़ें उसे आती हैं या जिन चीज़ों में वो अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच और लैंग्वेज में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। मैंने अभी 2 वीडियोस अपलोड करी हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की, और स्पीच डिले वर्सेज लैंग्वेज डिले, दोनों वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। हम पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि स्पीच और लैंग्वेज में क्या अंतर है, और हमें नहीं पता होता, और हम जब भी बात करते हैं किसी से हम बोलते हैं कि मेरे बच्चे के पास मोर देन 70 वर्ड्स हैं, मेरे बच्चे के पास स्पीच है। एग्जैक्टली, आपके बच्चे के पास स्पीच है बट आपके बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं है। मेरा बच्चा बात नहीं करता बट उसे बोलना तो आता है, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है बोलना तो आता है तो हम काम ही नहीं करते हैं। अपने आप सीख जाएगा, नहीं, अपने आप नहीं सीख पाएगा, आपको उसका कोपिंग मैकेनिज्म बनना है, आपको सिखाना है। उसके पास हो सकता है 150 से ज़्यादा की वोकैबलरी हो, 150 वर्ड्स से ज़्यादा की वोकैबलरी हो, एक बड़े इंसान से ज़्यादा वोकैबलरी हो सकता है उसका माइंड इतना शार्प हो कि वो इतना वर्ड्स को कंटेन कर सकता हो, लेकिन कौन से टाइम पे कौन सा वर्ड बोल के अपनी बात एक्सप्रेस करनी है वो उसे नहीं आता। दैट इज़ लैंग्वेज डिले, ये लैंग्वेज डिले होता है। तो स्पीच एंड लैंग्वेज में आपको यहाँ पे चेकलिस्ट में वो सारी पॉइंट्स मिलेंगी जो मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में रिपीट किया है। स्पीच एंड लैंग्वेज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी स्पीच एंड लैंग्वेज में और उस वजह से बहुत डिलेज हुए हैं। तो मैं ये वीडियोज़ जब शूट करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने जो मिस्टेक्स करी हैं वो मैं सबको बताऊँ, ताकि आप में से अगर कोई ये मिस्टेक कर रहा है तो नहीं करें, क्योंकि
मैं सच में चाहती हूँ कि जितनी देर मैंने करी है, अगर आपके पास, आप बेबी के पास टाइम है उतना, एंड आप एक राइट सेट ऑफ एज पर हैं, 2.5 साल 3 साल पे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी काम शुरू करिए, क्योंकि बच्चे के साथ जितना जल्दी काम शुरू करेंगे उतना उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं चेकलिस्ट के, स्क्रीनशॉट्स बहुत क्लियर हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, इनको अच्छे से एनालाइज करिए, बच्चे के ऊपर बेसिक्स से काम करना शुरू करिए। अगर आप बेसिक्स पे काम करेंगे आप बहुत जल्दी बाकी माइलस्टोन्स हिट करेंगे। उसके अलावा मैं सिर्फ जाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आपको कि अपने बच्चों में ना ट्रस्ट करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप, मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, एंड सच में नहीं पता कितनी लंबी जर्नी है, नेवर एंडिंग भी है, कब ख़त्म होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे जाने के बाद बच्चे का क्या होगा और कौन देखेगा उन्हें। मत सोचिए ये सब नहीं सोचने की ज़रूरत है। आज के बारे में सोचिए, आज का दिन जीना शुरू करिए, आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, आज के बारे में सोचिए। 1 day at a time, 1 thing at a time, एक दिन में एक चीज़ बस। ज़्यादा सोचेंगे ना तो नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं दिमाग में, पॉजिटिव कम आती हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि हम मदर्स और फादर्स की टेंडेंसी होती है, हम पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है, हम ना बुरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें बच्चे के फ्यूचर की फिक्र होती है। लेकिन 1 day at a time, एक दिन को एक बार में लेना शुरू कीजिए, एक चीज़ को एक बार में करना शुरू कीजिए। मैं भी ऐसे ही बहुत लंबे टाइम के बारे में सोचती थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हमें तो अपनी लाइफ का ही कल का नहीं पता, तो हम इतना लंबा सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हम आज अगर धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, टाइम लगेगा लेकिन हम अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों का कोपिंग मैकेनिज्म बन सकते हैं, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उन्हें चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी थॉट प्रोसेस में टाइम वेस्ट करेंगे कि कल हमारे बाद बच्चे का क्या होगा, तो हम आज का टाइम लूज़ कर देंगे। तो 1 day at a time, आज का दिन अच्छा बनाना है, आज के दिन बच्चे को चीज़ें सिखानी है, कल फिर शुरू करना है, लेकिन कल के बारे में सोच के आज का दिन वेस्ट नहीं करना, आज के दिन डीमोटिवेट नहीं होना। तो ये चेकलिस्ट पे ध्यान से काम करिए, इस चेकलिस्ट के बेसिक्स को समझिए, बच्चे के साथ उन चीज़ों पे काम करना शुरू करिए। ये चीज़ें करने से बच्चे की पर्सनालिटी बहुत चेंज हो जाएगी। मैंने विराज के साथ सबसे पहली चीज़ यहीं से शुरू किया था, यही पढ़ा था इंटरनेट पर सबसे पहले कि कैसे निकालूं कि क्या क्या चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट किया। आई होप ये चेकलिस्ट आपको हेल्प करेगी, एंड कोई ऐसा हो जो अभी इस जद्दोजहद में चल रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है, प्लीज़ ये वीडियो उनसे शेयर करिए प्लीज़, ताकि वो एटलीस्ट ये बेसिक चेकलिस्ट देखकर अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को या उसके इश्यूज को, उसके चैलेंजेस को एनालाइज कर सकें एंड उसको टाइमली हेल्प करना स्टार्ट कर सकें। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। बाय।